मधेपुर के नवादा पंचायत में स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय विधायक सह सूबे के परिवहन मंत्री शीला ने कार्यक्रम का किया शुभारंभ। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा, स्वच्छता से ही स्वास्थ्य समाज का होगा निर्माण, स्वच्छता के लिए जन भागीदारी जरूरी। मधुबनी जिले के मधेपुर प्रखंड अंतर्गत नवादा पंचायत में आज शनिवार को स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल शरीक हुए। परिवहन मंत्री शीला मंडल और पंचायत के मुखिया राजू देवी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्थानीय विधायक सह परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि स्वच्छता से स्वस्थ समाज का निर्माण संभव है और यह बिना जन भागीदारी के पूरा नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। लोग जागरूक होंगे और अपने आसपास की जगह को स्वच्छ और साफ रखेंगे तो गांव सुंदर होगा, गांव से पंचायत और फिर प्रखंड स्वच्छ और सुंदर रहेगा, जिससे हमारा जिला और राज्य स्वच्छ और सुंदर होगा, स्वास्थ्य समाज का निर्माण होगा। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अमरेश कुमार सिंह ने लोगों को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लोगों को घरों में दिए गए हरा और नीला कचरा डब्बा के उपयोग के बारे में बताया। मौके पर मुखिया पति मनोज कुमार महतो, पर्यवेक्षक राम आशीष महतो, विकास मिश्र, गोपाल पर्वे, संजीव ठाकुर, घनश्याम यादव, संतोष कुमार यादव सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। मधेपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट। बहुत काफी परेशानियां थी, बाहर जाने के क्रम में कई प्रकार की घटनाएं घटती थी, कभी किसी को सांप काट लिया या कोई किडनैप भी कर लिया या कोई गलत किस्म के आदमी उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। इस तरह हमारे समाज की दुर्गति थी, हमारे समाज के लिए बहुत कलंकित था, लेकिन धीरे धीरे हम लोग व्यवहार में परिवर्तन किए। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना को हम लोग घर घर पहुँचाए। स्वच्छता कर्मी, स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छताग्राही के रूप में हम लोग जन जागरूकता का अभियान चला, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सरकार एवं आम जनता घर घर जाकर के शौचालय के उपयोग के बारे में नुक्कड़ नाटक, रैली, रात्रि चौपाल के माध्यम से एक जागरूक अभियान चलाया। अब जाकर के हम लोग 70% घर में शौचालय देता हूँ। आज इस खुशी का कार्यक्रम, स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसकी शुरुआत का मेन मकसद था कि स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी राजघाट से 2 अक्टूबर 2014 को
स्वच्छता की शुरुआत किए थे। उस समय से लेकर आज तक 10 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में हम लोग स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही संस्कार के रूप में इसे मना रहे हैं। भिन्न भिन्न गली, पंचायत, गांव गांव में, पूरे भारत में ये कार्यक्रम 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। स्वच्छता ही कार्यक्रम की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 में हुआ था। हमारे बिहार में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के नाम से स्वच्छ भारत मिशन को जाना जाता है। स्वच्छ भारत मिशन और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान दोनों मिलकर के हमारे बिहार में काम कर रहे हैं। पहले फेज में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान स्वच्छ भारत मिशन के तहत